السلام عليكم. हेलो जी, आवाज आ रही है सबको? कोई नहीं, ये समझ आता कि जिस तरह का उन्होंने जो 80 लाख आवाज आ रही है जी सबको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। ओके जी, हस्ब रिवायत 5 मिनट और वेट कर लेते हैं दूसरे स्टूडेंट्स का, ताकि सब ज्वाइन हो फिर स्टार्टअप करें। चले जी, वेट लंबा तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले 1 मिनट ऐसे वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ऐसे देखा जाए तो इतने सारे ग्रुप में बंदे आते थे, 9-10 है। हाँ, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, सबको पता है, अगर वो एसईओ के वाकई स्टूडेंट है तो वो क्लास में क्यों नहीं आते? चले मान लेते हैं, चले हर कोई बिजी होता है, ठीक है, अपने हिसाब से हर किसी का स्केड्यूल होता है, लेकिन क्लास तो अब बाकायदा हो रही है और क्यों मिस और सर आप इन्फॉर्म भी कर रहे हैं? हाँ, इन्फॉर्म भी किया जाता है, बाकायदा इन्फॉर्म किया जाता है, के बावजूद ये समझ में नहीं आता।
और मैंने अभी पोस्ट का देखा वहां जाके, तो इन्फो में तकरीबन सबने पोस्ट देखी हुई। जी सर, चले अपना फायदा होगा होगा सर। हाँ चले ठीक है, तो किसी की अपनी चॉइस है, किसी को जबरदस्ती तो नहीं ला सकते। चले जी 40 हो गए, अब शुरू करते हैं क्लास। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चैट में मुझे 111 लिख के बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है, अगर नहीं हो रही तो 2 लिख के बताएं। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके जी, ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, वापस चलते हैं उसी डगर पे जहां से हमने रहे जुदा हुई थी, यानी कि हम पिछले लेक्चर में जो चीज हमसे मिसिंग हुई थी मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए सारा प्रोसेस जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, एक तो देखें, नॉर्मली मैं क्या करता हूं कि जब मैं जब भी डोमेन खरीदता हूं तो मैं उस पे SSL सेट नहीं करता। ये मेरी शुरू से आदत है, पहले SSL सेट नहीं करता जल्दी से डोमेन जैसे हाल में होता है, क्योंकि कभी उस पे www होता है कभी नहीं होता, तो मैं उसको सिलेक्ट करके और नॉर्मली जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे किया करता था। लास्ट टाइम भी मैंने कहा मुझसे कोई गलती हो रही है, लेकिन मेरा जहन काम नहीं करा, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो इन सेक्शंस पे था उसका, तो मैं यहाँ मुसलसल गलतियां कर रहा था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि गलती कहाँ पे हो रही थी। मैं डोमेन को इस तरह लिख रहा था यहाँ, ठीक है, इसका HTTPS मिटा के और फिर मैं इसको ऐड कर रहा था। उसकी वजह यह थी कि मेरी प्रैक्टिस जो है इस तरीके से थी, क्योंकि मैं पहले SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं करता था, उसके जैसे ही मैंने डोमेन परचेस किया सीधा आके मैं इंस्टॉल कर देता गूगल सर्च कंसोल पे, ठीक है, GSC मैं उसी वक्त में ऐड करता था। अब क्या हुआ कि मैंने पहले SSL इंस्टॉल किया, जिसकी वजह पे आप लोगों को यहाँ पे HTTPS दिख रहा है, ठीक है, और मैंने वही प्रैक्टिस अपना जो, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई थी तो वही किया। तो यहाँ पे बगैर HTTPS के जो डोमेन होगा वो यहाँ इस साइड पे ऐड होगा, और URL प्रीफिक्स में जाके जब आप SSL सर्टिफिकेट, ये देखें साइन भी बनी हुई है आप देखें, तो देखने के बावजूद उस वक्त मेरा जहन जो है इस तरफ नहीं गया और मैं ये गलती कर रहा था। चलें, अब आपने डोमेन अपना लिया सर्च कंसोल में और इसको ऐड किया, कंटिन्यू पे दबाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में ऐड कर चुका हूं, तो अब हम कोई और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं इसमें। मैं आपको तरीकेकार दिखा देता हूं, तरीकेकार यह है कि आप कोई भी डोमेन ले लें, कोई भी वेबसाइट आप खोल लें, जैसे डाइट, चलें कुछ भी खोल लेते हैं, कोई भी वेबसाइट लेना, मुझे सिर्फ और सिर्फ कोई वेबसाइट चाहिए, जैसे ये, चलें ये वाली वेबसाइट ले लेते हैं, चलें पाकिस्तानी वेबसाइट है, ठीक है, इसको यहां से आप कॉपी करें इस तरह अपनी वेबसाइट का URL और HTTPS यानी कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो तो इस तरफ राइट वाली साइड URL प्रीफिक्स में जाके आप ऐड करेंगे। उसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये वेरिफिकेशन पूछेगा। अब जाहिरी बात है ये मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो अब इसने कुछ तरीके वेरिफिकेशन के दिए हुए। सबसे पहला तरीका जो बहुत पॉपुलर और कॉमन है वो ये है कि ये मुझे कह रहा है कि ये एक फाइल में आपको दे रहा हूँ HTML की, ये फाइल आप डाउनलोड करें और इसको अपने सर्वर पे जाके इंस्टॉल करें जहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है ओरिजिनल मौजूद है, जहाँ पे उसकी जो मेन फाइल्स हैं वो मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इंस्टॉल करें, तब आपकी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन होगी। तो ठीक है, पहला तरीका लेके चलते हैं हम। सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं इस तरह, ये देखिए मेरे पास एक फाइल आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ वापस अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं जाता हूँ प्लगइन्स पे और एक नया प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने करना एग्जैक्टली किस तरह करना है। तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगा
फाइल मैनेजर, जैसे ही मैं लिखूंगा फाइल या फाइल मैनेजर तो देखें एक प्लगइन टॉप पे आ जाएगा, जो भी प्लगइन टॉप पे, क्योंकि ये सारे फाइल मैनेजर्स तकरीबन सेम काम करते हैं। तो ये प्लगइन जो है मैंने देखें इंस्टॉल एंड एक्टिव किया हुआ, तो ये आपके सामने आ गया फाइल मैनेजर, ठीक है। आपने इंस्टॉल करना है फिर एक्टिव करना, फिर आपने यहाँ पे जाना है फाइल मैनेजर पे क्लिक करना, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये मुझे ले आया मेरे वेबसाइट की मेन डायरेक्टरी पे, जहां पे मेरी मेन वेबसाइट्स की फाइल जो है htaccess वगैरह index.php, आपने जो है जिस किसी को HTML आती होगी आपको पता है ये फाइल्स कितनी इंपॉर्टेंट है मेरी वेबसाइट के लिए। अगर इनमें से एक भी फाइल मैं उड़ा देता हूँ तो मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं चलेगी, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस तरह, और ये देखिए अपलोड फाइल्स, अपलोड फाइल पे जाके हमने फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन में जाके हमने उस फाइल को जो हमने डाउनलोड किया उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, बस इतनी सी चीज। यहाँ पे आप जब फाइल अपलोड कर लेंगे उसके बाद वापस आप जाइए और यहाँ वेरीफाई का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट वो नहीं है, ये वेबसाइट दूसरी है। इस वजह से क्या होगा कि जब मैं वेरीफाई करूंगा तो वेरीफिकेशन जो है नहीं होगी, ठीक है। वेरीफिक ओनरशिप फेल्ड, क्योंकि मैं जिस वेबसाइट में वो फाइल इंस्टॉल की हुई है, जहाँ पे मैंने जाके पेस्ट की है, तो ये कंसर्न वेबसाइट नहीं है जो जिसकी मैंने फाइल डाउनलोड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझानी थी, ये उस दिन मुझसे मिस हो रहा था, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा था वो असल में थी गूगल एनालिटिक्स की, तो थोड़ा मिक्सअप हो गया था जहन, इसलिए उसके लिए सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। लेकिन अब मेरे ख्याल में आपको सारा प्रोसीजर आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये सबसे आसान प्रोसीजर है। सीधा आप जाएं अपनी फाइल जाके अपलोड कर दें मेन डायरेक्टरी में, जैसे ही आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, इजीली सारा हो जाएगा, क्योंकि मैं अब वेरीफाई कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये देखें मैंने ये वेरी, अब ये मेरी वेरी मेरी जो है प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन मैंने इसको ऐड किया, ऐड किया तो क्या करूंगा मैं इसको रिमूव कर देता। ये पूछ रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने कहा नहीं है, ठीक, अब मेरी प्रॉपर्टी ये हो चुकी है। तो इस तरह ये जो है ना ये काम करेगा, ठीक है, पूरा सर्च कंसोल, क्योंकि इस वेबसाइट पे कुछ भी चीज नहीं है, मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू के लिए सारी चीजें बताई। जब आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे लाएंगे तो ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। अब मैं कुछ आपको दूसरी चीज, आज जो है जो हमारा मेन टॉपिक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि किस तरह वेरीफाई करते हैं। सर जो मेन डोमेन है उसमें भी ऐसे ही करना है, ये सब डोमेन के लिए बताया ना सर आपने? नहीं नहीं, ये मेन डोमेन है, ये मेन डोमेन है, ये मेन डोमेन है उसका। आप सब डोमेन से, असल में मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि वो मेरी जो प्रैक्टिस थी ना वो कंटिन्यू इसी चीज पे थी कि मैं पहले जो मैं आपको रेक्टिफाई कर रहा हूँ कि मैंने सोचा, मैं उस वक्त ही कह रहा था मुझसे कोई गलती हो रही है, लेकिन इत्तफाक है मेरा फोकस उस चीज पे नहीं जा रहा था। तो ये एक ह्यूमन साइकी है, कभी कभार आपका फोकस आउट होता है, आप ऐसा काम कर रहे होते हो जो उससे आउट हो जाता है और आप गलतियां करना शुरू करते, तो उस दिन भी यही हुआ मेरे साथ। अच्छा, ऐसे प्रॉपर्टी के लिए काम आता है? प्रॉपर्टी मीन्स आपकी वेबसाइट, प्रॉपर्टी का मतलब आपकी मिल्कियत, आपकी वेबसाइट सर, यहां ये उसके लिए काम आता है सिर्फ। जी जी, मतलब आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में किस तरह वेरीफाई करें, ये उसका तरीका मैंने बताया, ठीक है, जो पिछले लेक्चर में नहीं हो रही थी, मुझसे गलती हो रही थी। गलती ये हो रही थी कि मैं उसको रॉन्ग जो सेक्शन में पेस्ट कर रहा था बार बार, ठीक है, उस इस सेक्शन में। इसमें क्या होगा, जब भी हम ऐड करेंगे तो डायरेक्ट डोमेन नेम करेंगे, जैसे ये है, इसमें ना कोई और चीज नहीं, मिसाल के तौर पे ये मेरी वेबसाइट है, तो इस तरह आएगी, इसमें HTTPS नहीं आएगा, तो ये इस तरह एंटर हो जाएगी, ठीक है। ठीक ठीक है सर। तो अगर इस तरह का डोमेन है, सिंपल आके पहले सेक्शन में कर दें, वही चीज वही तरीका। अगर इस तरह नहीं है, आपने SSL इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इस तरफ आ जाइए, बस ये दो तरीके। SSL इंस्टॉल्ड है या नहीं है, जिसना भी आपने कहा कि सिंपल डोमेन नेम लिखें, वो ठीक है?
यानी उससे हो जाएगा, ये जो दूसरे वाला भी बताया हो जाएगा, लेकिन आपकी जाहिरी बात है आपने SSL तो इंस्टॉल करना है, उसका भी मैं आपको ऑन पेज SEO में पूरा तरीका सिखाऊंगा किस तरह आप क्लाउड फ्लेयर का जो है फ्री SSL एक साल के लिए अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसा सीन है कि हर होस्टिंग कंपनी फ्री SSL देती है, वरना SSL जो है वो फ्री वाली चीज नहीं है, उसके पैसे लगते हैं, कुछ ना कुछ उसकी फीस होती है, $5-$10 जो भी है वो डिपेंड करता है, मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स है उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज होती है उस पर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्ट आउट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स क्या है उसका मैं ओवरव्यू आपको दूंगा। तो उसका सेटअप करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो तरीके हैं सेटअप करने के। सबसे पहले जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, ये आप गूगल पे सर्च करें इस तरह, और जो पहला लिंक है analytics.google.com आप इस पे क्लिक कर दें। अब ये मैंने प्रॉपर्टी जो है अपनी, जो मेरी वेबसाइट है वो मैंने एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट कर दी। एनालिटिक्स क्या है सबसे पहले ये जानें, कि सर्च कंसोल का तो उस दिन मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा सर्च कंसोल होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों होती है, वो पेजेस को इंडेक्स और पेजेस को मॉनिटर करने के लिए होता है। लेकिन एनालिटिक्स किस लिए है फिर, अगर ये भी वही काम करे तो फिर फायदा क्या, उसके बारे में आपको बताऊं। क्योंकि देखें, मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट सेटअप है इस आईडी पे, इसलिए मैं आपको शुरू से भी करके दिखा दूंगा, और वैसे भी मैंने सेटअप कर लिया। तो एनालिटिक्स क्या करता है कि आपको वेबसाइट की आपकी करंट पोजिशन जो है उसका एनालिसिस देता है। ठीक है, करंट पोजिशन उसका एनालिसिस, जैसे इसमें देखते हैं जी, मैंने कोई वेबसाइट, ये मेरी मुख्तलिफ जो हैं वेबसाइट्स हैं, ये नहीं है, तो मैं एक और जगह है वहाँ पे जाते हैं, और ये मैंने खोला हुआ है, ये यू समझे कि मेरा एक क्लाइंट है। ठीक है, जिसकी मैंने वेबसाइट की SEO की है। सबसे पहले वेबसाइट आप देख लें, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, यू समझे UK का, पाकिस्तानी ड्रेसेस का, और ये देख सकते हैं कि मेरे पास उसका एक्सेस, और वो क्योंकि मेरा क्लाइंट है इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट और जस्ट ओवरव्यू के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसको सेटअप कैसे करते हैं एनालिटिक्स को, उस चीज़ पे आ जाए। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल एनालिटिक्स पे, दोबारा से वहीं जाता हूँ, वो चीज़ सेटअप करके दिखाता हूँ। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वेबसाइट आप किस तरह सेटअप करेंगे गूगल एनालिटिक्स, उसके हैं दो तरीके। एक तरीका है थ्रू आउट प्लगइन, जो उस दिन मुझसे मिस्टेक हो रही थी, मैंने आपको कहा था कि प्लगइन जो है प्लगइन के भी थ्रू होता है, लेकिन वो मेरे जहन से निकल गया था कि वो एनालिटिक्स के लिए। एक प्लगइन है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, उसका नाम आप याद रखिएगा, मॉन्स्टर इनसाइट्स। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, मॉन्स्टर इनसाइट्स के नाम से प्लगइन है। ये क्या करता है, ये प्लगइन है जी, इसको मैंने इंस्टॉल एंड एक्टिव किया हुआ है। एक तरीका है ये एनालिटिक को इंस्टॉल करने का, दूसरा तरीका मैनुअल है। तो पहले मैं प्लगइन के थ्रू जाता हूँ, फिर मैं मैनुअल के थ्रू जाता हूँ, हो सकता है इसमें आपको आसानी हो और ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे प्लगइन और इसको करेंगे सेटअप। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लॉन्च सेटअप, सेटअप पे गए। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट है किस चीज़ की। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा ब्लॉग है, कोई बिजनेस वेबसाइट नहीं है, ब्लॉग है। अच्छा, ई स्टोर होगा, ई कॉमर्स होगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। और बिजनेस वेबसाइट किसी कंसल्टेंसी कंपनी, किसी कॉरपोरेट कंपनी की वेबसाइट होगी, तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पे करेंगे। मेरा तो सिंपल ब्लॉग है, इसलिए मैं ब्लॉग पे जाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझसे पूछ रहा है कि लाइसेंस की, यू आर यूजिंग मॉन्स्टर लाइट्स, वो बोल रहा है कि अपग्रेड करेंगे, मैं कहता हूँ नहीं, रहने दें। अब ये कह रहा है कनेक्ट टू गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, अब ये जा रहा है ऑथेंटिकेशन पे। अब सबसे पहले देख रहा है, सबसे पहले आता है मेरा अकाउंट क्या। तो मैंने जिस अकाउंट, याद रखिएगा, जिस जो आपकी प्राइमरी एड्रेस है, हमेशा अपनी प्रॉपर्टी उसी अकाउंट में ऐड। तो मैंने ये वेबसाइट्स के लिए ये वाला अकाउंट बनाया हुआ है, तो इस तरह की बहुत सी मेल्स हैं वैसे, लेकिन वेबसाइट्स के लिए, कुछ वेबसाइट्स के लिए ये है, तो मैं इसी पे ही सेटअप करता हूँ।
ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम किस वेबसाइट पे ऐड करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स हैं अपनी जो मेरे क्लाइंट्स की हैं, तो ये मुझसे डेटा पूछ रहा है, तो अब जाहिर बात है मेरी अपनी वेबसाइट इसमें है नहीं, तो मैं अपनी इस एनालिटिक्स पे जाके प्रॉपर्टी ऐड करूँ कनेक्ट करने के लिए। आपको इस तरह की जो है वो विजुअलाइजेशन नजर नहीं आएगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं तो इस वजह से नहीं होगी, लेकिन अब पहले जो है आपको दूसरी चीज नजर आएगी यहाँ पे, एड अकाउंट, ठीक है, तो आप अगर दूसरी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो आप एड अकाउंट पे जाए इस तरह। सबसे पहले वो पूछता है कि आपका यूजर नेम क्या है, यूजर नेम पे मैं अपना जो भी मेरी प्रॉपर्टी है जिस नाम से मैं उसका नेम दे देता हूँ ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। तो मेरी वेबसाइट है स्पाइस कैंप पोर्ट के नाम से, तो मैं इसको स्पाइस कैंप पोर्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब नीचे आ जाए, अब ये आपसे पूछ रहा है कुछ सेटिंग्स, तो इनको आप फिलहाल, क्योंकि ये वेबसाइट जो है इस जगह पे मैंने चेक नहीं लगाना फिलहाल, क्योंकि मेरी वेबसाइट जो है कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल नहीं कर रही, इसलिए मैं इस जगह पे चेक नहीं लगाऊंगा, और जो इसे बाय डिफॉल्ट है मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये एक ब्लॉग है, मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी मुझसे पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी नेम क्या है, जो मैंने पहले दिया वो मेरा था यूजर नेम और ये है प्रॉपर्टी नेम, वही सेम कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मुझे याद रहे, ठीक है। टाइम जोन मुझसे पूछा है कि रिपोर्टिंग का टाइम जोन क्या होना चाहिए, तो रिपोर्टिंग का टाइम जोन ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के टाइम जोन के हिसाब से ही मेरी वेबसाइट है। करेंसी अगर आप चाहें तो इसको पाकिस्तानी करेंसी कर दें, मैं इसको यूएस पे ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारा बिजनेस जो है जो तुम ऐड कर रहे हो वो किस किस्म का बिजनेस है, किस किस्म की वेबसाइट है, यहाँ पे आ गई कैटेगरीज, तो जाहिर आप अपने निच के हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा कैटेगरी। अगर आपको समझ में आता है कि आपका निच उस तरह का है जैसे टेक वेबसाइट हो तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स या मतलब इंटरनेट टेलीकॉम हो गया, दूसरी न्यूज ऑनलाइन कम्युनिटीज हर चीज दी हुई है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपका निच यहाँ पे नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा निच डिफाइंड है वो फूड के साथ रिलेटेड है, तो मैं फूड एंड ड्रिंक पे क्लिक करूँ। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस साइज कितना बड़ा है, मैंने जाहिर बात है मैं ही हूँ और कोई काम नहीं कर रहा, तो मैंने 1 to 10 एम्प्लॉयज पे क्लिक कर। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके जितने एम्प्लॉयज होंगे उतने आप अकाउंट यूजर्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं जी, नीचे आ रहा है कि आप किस किस्म की रिपोर्टिंग देखना चाह रहे हैं। अच्छा, एनालिटिक्स का क्या काम क्या होता है मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। एनालिटिक्स हम यूज करते हैं विजुअलाइजेशन, रिपोर्टिंग, डीप एनालिसिस और बिहेवियर के लिए, मतलब हमारी साइट पे चल क्या रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस डिवाइस से आ रहा है, इस वजह से हम एनालिटिक्स यूज करते हैं। तो मैं इन सब पे चेक लगा देता हूँ, आपकी मर्जी आप लगाएं या ना लगाएं वो आपकी, लेकिन अदर पे नहीं लगाना। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी आ गई पूरी टर्म्स एंड कंडीशन, एक बार अगर टाइम मिले तो इस पूरे डेटा को कॉपी करें, जाके गूगल ट्रांसलेट पे जाके ट्रांसलेट करें, एक बार पढ़ लें। अगर एक बार पढ़ लेंगे आपका जहन जो है वो पॉलिसीज के हिसाब से खुल जाएगा, अगर इंग्लिश जिसको नहीं आती तो, जिसको इंग्लिश आती हो वो बैठ के पॉलिसीज पढ़ लें, ठीक है। तो पॉलिसीज पढ़ के आप चेक लगाएंगे और उसके बाद एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आ गई, देखे मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई जो मैंने बनाई है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप डेटा स्ट्रीम किस चीज की देखना चाह रहे हैं। अब वो मुझसे गूगल पूछ रहा है कि आप किस चीज पे काम कर रहे हैं, तो क्या ये वेबसाइट है, क्या ये एंड्रॉयड ऐप है या आईओएस ऐप है।
ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट है तो मैं वेब पे क्लिक करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि तुम्हारी वेबसाइट कौन सी है, जिस जो बिजनेस जो है तुम ओन करते हो वो वेबसाइट का नाम बताओ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कहाँ गई जी, अच्छा जी, वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, मैं अभी इसकी सेटिंग नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी एनालिटिक्स को पहले उसकी प्रॉपर्टी ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद में जाके इसकी सेटिंग कर। तो मैंने वेबसाइट का नाम लिया, एनालिटिक्स पे गया। यहाँ देखें बड़े गौर से, ये प्रीफिक्स आपने बड़े गौर से देखना है। तो जैसे ही मैंने नाम एंटर किया, देखें यहाँ पे https ऑलरेडी एंटर्ड है, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने हमेशा इसको इस तरह डालना है डोमेन को, और इसमें से ये हटा देना। उसके बाद स्ट्रीम नेम जो भी रखें, जैसे मैंने इसका स्पाइस कैम्पोर्ट के नाम से रखा था तो मैं वही लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ये इस चेक को ऑन कर दे एनालिटिक रिपोर्ट्स के लिए, इसको कभी भी बंद ना कीजिएगा, इसको ऑन कीजिएगा। क्रिएट अ स्ट्रीम, तो अब क्या हुआ, अब मैं आपको देखता हूं, दिखाता हूं प्रॉपर्टी की सेटिंग्स। कहां गई जी वो सेटिंग, लिंक गूगल एड्स प्रॉपर्टी, और क्योंकि आए दिन बड़ी कस्टमाइजेशन होती रहती है तो कुछ चेंजिंग्स आती रहती हैं, तो मैं अब वही ढूंढ रहा हूँ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और ये हमेशा लाइव में मेरे साथ होता है। मैं अब ढूंढ रहा हूँ एक कोड, जो इसमें कोड आ जाता है कहीं ना कहीं, फिर कुछ हो रहा है। स्पाइस सही है जी, सही है, जाने दो भाई, कोड दिखा दो। स्ट्रीम्स ट्रैकिंग इन्फो में होगा आई थिंक, ब्रेकिंग में नहीं, यहीं पे डेटा सेट, या सॉरी डेटा स्ट्रीम्स। देखें यहाँ पे मैंने इसको बताया, वेबसाइट ऐड की, ऐड गया, उसके बाद कोई एरर आया था मैंने देखा था, और वो क्यों आया था उसकी वजह, क्योंकि एक दफा पहले भी मैं कर चुका हूँ, या कोई और प्रॉपर्टी मुझे ऐड करनी होगी। ठीक है, मैंने ऐड किया, देखें यहाँ पे कुछ, हाँ देखें अब स्ट्रीम आई ना, ये पहले नहीं आया, वो यही चीज मैंने की, पता नहीं क्यों नहीं आया। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं हम, तो ये पेज हमारे सामने आ गया, ये इसने हमारी एक गूगल आईडी जनरेट कर दी इस तरह, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने वेबसाइट को जो है कनेक्ट करना है अपने गूगल एनालिटिक को कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के साथ। तो नीचे देखें टैगिंग इंस्ट्रक्शन में आएंगे, और यहाँ पे ये देखें ग्लोबल टैग, इस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो एक हमारे सामने कोड आ रहा है, ठीक है, ये पूरी एक कोड सोर्स कोड है। हमने क्या करना है कि हमने इसको कॉपी करना है, और वो गलती जो मैं कर रहा था पहले, कहाँ पे याद है आपको, पिछले लेक्चर में, ठीक है, वो गलती जो कर रहा था वो गलती असल में इस वजह से हो रही थी क्योंकि प्रैक्टिस मेरी उसी चीज पे थी। अब हम जाएंगे वापस अपीयरेंस और थीम एडिटर, ठीक है। इसके भी दो तरीके हैं, एक ये तरीका है, जाएं आप थीम एडिटर पे और कोड डाल दें वो जो फाइल में, एक ये तरीका है मैन्युअल, हेडर डॉट पीएचपी में जाएं और ये जो कोड है ये वाला, ये आपको करके वही तरीका, बिल्कुल हेड सेक्शन पे साइड में क्लिक करके, आप याद रखिए इसकी कोडिंग खराब नहीं होनी चाहिए, कहीं आपने यहाँ ना क्लिक कर दिया हो। तो जैसे ही हेड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एंटर दबाएं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर, बस ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, अपडेट फाइल कर। अब ये देखें समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई मसला है इस कोड में मेरे पास। अब यहाँ से मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर मैं वापस जाता हूँ मॉन्स्टर इनसाइड पे। अब जाके मैं इसको करता हूँ सेटअप। एक तरीका मैनुअल मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये तरीका है,
दूसरा तरीका प्लगइन के थ्रू है, प्लगइन के थ्रू आप करते हैं इसको, ब्लॉग वापस उसी पे कनेक्ट टू मॉन्स्टर इंसाइट, ऑथेंटिकेट कर रहा है आप, ठीक है जी, लेके चले हैं। हेलो, ठीक है, अब आ गया प्रॉपर्टीज पे। अब ये पूछ रहा है कौन सी किस्म, कौन सी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे जो है मेरी आनी चाहिए वैसे वेबसाइट, अभी आ नहीं रही, तो जो वेबसाइट होगी आपने करके सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लें, हालांकि इसको अभी तो आना चाहिए अब जाके, लेकिन क्यों नहीं आ रहा, एक तरीका ये है, और या तो मेरी साइट की कोडिंग में कोई इशू हो गया मेन फाइल में जो, उसकी वजह से ये मसला कर रहा है, मैं कोई और साइट ट्राई करूं तो फिर हो जाएगा, तो दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी सामने, उस पर आपने क्लिक कर देना, अब या तो लॉग आउट करके मुझे फिर लॉग इन करके चेक करना पड़ेगा, फिर शायद हो जाए। स्ट्रीम देखें, नो डेटा रिसीव पास 48। अच्छा जी, मैं क्या कर रहा था, मैं वेब पे जाता हूँ, तो ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं कभी कभार परेशान कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को, उनको समझ में नहीं आ रहे होते जिस तरह मेरे साथ हो रहा है अभी, ठीक है, एक कंटिन्यू एक दफा आपने प्रैक्टिस में आ गए तो आपको कभी भी इतना मसला नहीं होगा जितना इसमें हो रहा है, और मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कोड पे जाके, कहीं ना कहीं तो अब इधर मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, कैंसिल एंड रिटर्न, एग्जिट सेटअप, एक तरीका यह है इससे क्लियरली वो हो जाता है नॉर्मली, अभी नहीं हो रहा फिर मैं इसको चेक करूंगा कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही, वो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक और, अगर आपको जाके अपीयरेंस में जाके वो फाइल नहीं मिल रही, समझ में नहीं आ रहा, उसका भी एक आसान तरीका है, आप एक प्लगइन ऐड करें, वो प्लगइन है हेडर एंड फुटर्स, हेडर लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपके सामने, ये देखें बहुत सारे प्लगइन है उस तरह, हेडर और फुटर बहुत सारे, ये सारे प्लगइन वही काम करते हैं जो मैं ढूंढूं इसी तरह, और हजारों प्लगइन है, तो एलिमेंटर यूज कर रहे हैं तो आप ये ऐड कर सकते हैं, और मैंने ये वाला कर लेता हूँ, चले कोई इशू नहीं है, तो इसके थ्रू भी आप इजीली हेडर और फुटर में जाके कोड इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, ये डायरेक्ट मुझे हेडर और फुटर पे ले जाएगी, बस जी कहा हेडर एंड फुटर में, अच्छा इस पे ऐड अ न्यू स्निपेट पे, तो अब हम अपना स्निपेट इस पे कोड जो है सेट करेंगे, वो हमने हेडर पे डालना है या फुटर पे डालना है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है, तो एक तरीका ये है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, स्किप करता हूँ इस सेक्शन को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया तो फिर मैं आपको करके दिखा दूंगा अपलोड, कोई इशू नहीं है, इस वेबसाइट को नहीं किसी और वेबसाइट को, नई वेबसाइट को लेता हूँ, परचेज करता हूँ, उस पर कोशिश कर लेते हैं, इसमें पता नहीं क्यों कोई इशू आ रहा है। अब हम चलते हैं एनालिटिक्स की तरफ, एनालिटिक्स का ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है, वंस यू आर इन, ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जब आपकी प्रॉपर्टी ऐड हो गई। अच्छा उसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, दूसरी चीज है साइट किट, जब आप कोड डाल लें वेरीफाई हो जाए तो आप जाएंगे साइट किट के डैशबोर्ड पे, और वहां पे कंसोल और गूगल एनालिटिक्स दोनों को आप करेंगे वेरीफाई, इसीलिए मैंने पहले गूगल साइट किट जो है इंस्टॉल करवाया था आप सबसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्स्टर इनसाइट का भी वही काम है जो साइट किट करता है, सेम काम, वो एनालिटिक्स एक आपको रिपोर्ट दे देगा, अगर साइट किट रखते हैं तो मॉन्स्टर इनसाइट ना रखें, मॉन्स्टर इनसाइट रखते हैं तो साइट किट ना रखें, ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
ये मेरा सेटअप आ गया, तो साइट किट भी मैं सेटअप करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। अच्छा, ईमेल आपकी वही होनी चाहिए जिससे आपकी जो है प्रॉपर्टी ऐड हो जिस कंसोल में, याद रखिएगा। उसके अलावा ऐसा ना हो कि कभी कभार जल्दी में उजलत में मेरी तरह गलती आप कर लो और समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या कर रहे, फोकस आउट हो जाए आपका, तो कभी कभार हो जाता है ऐसा, लेकिन ईमेल का ख्याल रखिएगा हमेशा। अच्छा, ये वो बेसिक चीजें हैं जो पहले आपने करनी है सेटअप हमेशा। जब भी कोई देखें, यहाँ पे भी कोई इशू आ रहा है, हालांकि अभी अभी मैंने जो है कंसोल को ऐड किया था, आपके सामने प्रॉपर्टी थी, कहीं ना कहीं कोई इशू है। मेरे ख्याल में इस जो है पूरे सेटअप को मुझे जो है रिफ्रेश करना पड़ेगा या रिसेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोडिंग में या कुछ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है सारा। तो अक्सर क्लाइंट्स की जो है वेबसाइट, उनमें जाके ये प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको सॉर्ट आउट करने होते हैं। असल में ये काम तो तकरीबन वेब डेवलपर्स का है, लेकिन क्योंकि हम एसईओ वाले हैं, हमने सेटअप करना होता है और ये हमारे की फीचर्स में से एक है, तो हमने देखें ये अब वेरीफाई बता रहा है, पहले अलो नहीं कर रहा था, अब अलो कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। बस वो एरर क्यों आया, क्या हुआ, मुझे पता नहीं, लेकिन अक्सर ये होता है। एक दो अटेम्प्ट आप करें, अगर हो जाता है तो सही है, वरना आप उसकी रीइंस्टॉलेशन। अब देखें आप यहाँ पे क्या हुआ कि सर्च कंसोल जो है वो कनेक्टेड आ गया। ठीक है, और सर्च कंसोल कनेक्टेड आने से क्या हुआ कि डैशबोर्ड में मुझे पूरा ओवरव्यू मिलेगा सर्च कंसोल का। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दूसरी टास्क करो। दूसरी टास्क क्या है कि सेटअप एनालिटिक्स। ठीक है, अभी मेरी वेबसाइट क्योंकि नई है, इसमें कुछ मैंने एडसेंस वगैरह अप्लाई नहीं किया, इस वजह से मैं पहले एनालिटिक्स की तरफ जाता हूँ। अब इसी को इसमें ऐड करने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी हद तक हो गया, फिर भी देखते हैं। इस तरह करके, क्योंकि मैंने कोड अभी एंटर किया है लेकिन कोड वहां सेटअप नहीं हो रहा, तो ये मेरे ख्याल में नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, हो सकता है अकाउंट की वजह से उठा ले उसको। नहीं उठाएगा तो मुझे कोड वापस जाके हेड सेक्शन में डालना होगा। ये आप 2-3-4 दफा करेंगे तो आपका आपको कभी भी इस तरह प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि हर दफा वो चीज अपडेट होती रहती। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि स्पाइस के अकाउंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है सेटअप ऑफ प्रॉपर्टी, इस सेक्शन पे जाओ, और मैं कह रहा हूँ ठीक है कॉन्फिगर करें। ये कह रहा है वो एडिशनल परमिशंस, देखते हैं, क्योंकि मैंने तो वहाँ किया हुआ है, अब देखते हैं। अब फिर ये साइन इन मांग रहा है मुझसे, चलते हैं जी। लेकिन ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी अभी हो रही हैं, और अच्छा हुआ हो रही है ताकि आपको प्रॉब्लम्स का पता चले कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं कभी कभार सीधे सीधे। चलिए जी, दोबारा अलो करते हैं। चले जी, मुबारक हो। देखें वहां पे सेटअप नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया। अब मेरा एनालिटिक्स जो है मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है। डेटा तब जाके शो करेगा जब जाके 48 घंटे गुजरेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, यहाँ पे दो चीजें, एक तो एडसेंस, ये हमारा एक पूरा मॉड्यूल है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसको स्किप करते हैं, वापस आते हैं पेज इनसाइट्स पे। पेज का मैंने आप लोगों को बताया है कि पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी हमारा एक पूरा मॉड्यूल है, तो इसको भी आप कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ, इस तरह जिस तरह मैं कर रहा हूं। अच्छा, ये हम तीनों चीजें क्यों कर रहे हैं कनेक्ट, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम पूरा जो है बार बार हमें जाके एनालिटिक्स में जाके देखना ना पड़े। हम जैसे ही वर्डप्रेस में जाए हमें पूरी रिपोर्टिंग जो है वहां पे मिल जाए। अभी तो मैं सिर्फ आपको एनालिटिक्स सेटअप करके दिखा रहा हूँ। एनालिटिक्स सेटअप हो जाए उसके बाद, क्योंकि देखें ये प्रॉपर्टी दोबारा मेरी वेरीफाई कर रहा है वही। अब देखें तीनों मैंने सेटअप अपने कनेक्ट कर दिए।
तो अब क्या होगा, अब मेरी साइट पे जो भी एक्टिविटी होंगी मैं सिर्फ यहाँ साइट किट पे जाऊंगा, मुझे यहाँ पे नजर आएगी सारी चीज। ठीक है, ये देखें अब ये पेज का एक्सपीरियंस, साइट एक्सपीरियंस ये देखें मुझे बता रहा है कि आपकी साइट जो है कितनी देर में खुल रही है, कितने सेकंड लगा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें देखें अब मुझे यहाँ पे पता चल गई। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई कि ये मैंने साइट किट आप लोगों से क्यों करवाई थी। इस तरह आपने सेटअप करना है, तीनों चीजें कनेक्ट करनी है बना के, पहले कंसोल में जाना है, कंसोल वेरीफाई करके उसको इंस्टॉल करना है, वो हो जाए उसके बाद एनालिटिक्स में जाके पूरा वेरीफाई करके करना है। तो ये टैग का क्या इशू आ रहा है मैं इसको बाद में देख लूंगा और इसका मैं आपको रिजॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आई है जो चीज मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह आपको अपनी वेबसाइट, कोई भी आपकी वेबसाइट हो, आप किस तरह ऐड करेंगे उसको, सेट किस तरह करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे बढ़े, कोई भाई जवाब दे दो। यस सर, क्लियर है। यस सर, पक्का? चले जी आगे सर, क्लियर है सर। अब हम चलते हैं, अब मिसाल के तौर पे जो मैंने, क्योंकि ये दूसरी वेबसाइट है, मैं आपको क्योंकि ऑलरेडी इसमें सेटअप है तो मैं आपको एक बिजनेस है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसका आपने डैशबोर्ड देख लिया, डैशबोर्ड में देखें मुख्तलिफ चीज़ें आपको यहाँ पे, डेमोग्राफिक आपको उसके नज़र आ रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं हर तरह से, और आप इस तरह का डैशबोर्ड देखेंगे। अच्छा जी, अब स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने मेन डैशबोर्ड है उसमें कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब सबसे पहले आता है यूजर्स। ठीक है, यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स वो लोग होते हैं, अच्छा ये डेटा मुझे कितने 7 दिन का दिखा रहा है, मैं चाहूँ तो इसको एक्सटेंड करके 28 दिन भी कर सकता हूँ, 28 दिन का भी देख सकता हूँ, आज का भी देख सकता हूँ, और लास्ट 3 महीने का, ये पूरा देखें, पूरा सेटअप है। तो अब क्या करें, मैं 7 दिन का ही रखता हूँ फिलहाल, तो 7 दिन में मेरी इस वेबसाइट पे जो है क्लाइंट की वेबसाइट पे ये सारा सेटअप है, ये एक्टिविटी है। यूजर्स का मतलब है वो लोग जो मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेशंस। सेशंस किसे कहते हैं? सेशंस वो होते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट विजिट की, ठीक है, जो वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत बड़ा यूके के अंदर स्कॉटलैंड में बहुत बड़ा पाकिस्तानी ब्रांड है, ठीक है, ये मेरा क्लाइंट है। तो मैं आपको सिर्फ व्यू के तौर पे दिखा रहा हूँ, कोई इनकी प्रमोशन नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पे इनका एक मसला आ रहा है डोमेन का, क्यों अभी मैंने शुरू किया है इस वजह से ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने इनकी साइट पे विजिट किया, ये जस्ट एक विजिट हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, मेरा सेशन क्रिएट हो गया। बस ये विजिट हुआ और सेशन, मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की तो सेशन क्रिएट हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट किसे कहते हैं? बाउंस रेट कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में आपका क्लाइंट आपसे जरूर पूछेगा। बाउंस रेट क्या होता है? जिसे मिसाल के तौर पे आपने गेंद को एक दफा मारा जमीन पे और वो बाउंस करके चली, इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें, यानी कि मैं वेबसाइट पे गया एज अ यूजर, मैंने कोई इंटरेक्शन कहीं किसी लिंक पे कुछ भी क्लिक नहीं किया और मैंने ये साइट बंद कर दी, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं की, जस्ट खोली, देखी और फिर बंद कर दी, तो मैं क्या बाउंस कर गया इस वेबसाइट से। तो यूजर आके बाउंस कर जाते हैं, तो उस बाउंस रेट की मतलब, अब मिसाल के तौर पे 380 लोग आए, 510 सेशन क्रिएट हुए, लेकिन 20% तकरीबन 21% लोग जो हैं वो बाउंस कर, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ सेशन ये एक एवरेज नंबर दिखा रहा है इनके हिसाब से 7 दिनों का। इसमें क्या है, इसमें आप देखें कि कम से कम जो भी यूजर आता है वो कम से कम 2 से 3 मिनट साइट पे रुकता है, देखता है। यहां तक क्लियर हो गया, ये सेक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्टिव यूजर्स। इस तरफ एक्टिव यूजर्स अभी उस वेबसाइट पे कौन से हैं? 2 एक्टिव यूजर्स बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी ये है, ये वाले पेज देख रहे हैं, ठीक है, ये 2 एक्टिव यूजर अभी मौजूद है वहां पे। अब आते हैं जरा नीचे, उसके बाद आता है ट्रैफिक और ट्रैफिक सोर्स। ट्रैफिक चैनल्स मतलब कौन सी ऑर्गेनिक सर्च जो गूगल की तरफ से आ रहे हैं लोग डायरेक्ट, क्योंकि एसईओ की वजह से, देखें मेन ट्रैफिक एसईओ की वजह से आ रही है, ठीक है, ऑर्गेनिक सर्च से इसके ये ग्राफ आ रहा है इतने, उसके बाद जो है सोशल से,
कितने आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट जो है वेबसाइट लिख के, जो हम यूआरएल पे लिखते हैं, जैसे मैं अभी गया था, मैंने इसका लिखा था, ठीक है, मैंने इस तरह नाम लिखा था, इस तरह, ये डायरेक्ट होते हैं। उसके बाद रेफरल्स, रेफरल्स ये कि किसी वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट का लिंक हो, जैसे बैकलिंक जिसे कहते हैं, आप समझते होंगे, या किसी वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट का जिक्र हो, तो वो रेफरल के थ्रू काउंट होता है। उसके बाद अदर्स, दूसरी सोर्सेज, ठीक है, यहाँ पे मेरी सोर्स मीडियम वो सारा बता रहा है, ठीक है, गूगल की तरफ से क्यों डायरेक्ट आए, ये देखें इंस्टाग्राम की तरफ से कितने आए। तो इससे आप देख के अंदाजा लगाएंगे, ये क्लॉथिंग ब्रांड है, तो ब्रांड जो है अपने मुल्क में वो वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है अपने मुल्क में, उधर स्कॉटलैंड। तो देखें उनकी ट्रैफिक जो है मैक्सिमाइज जो है सोशल मीडिया की तरफ से, और ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक इसलिए ग्राफ ऊपर है क्योंकि उनकी SEO भी अच्छी हो रही है, तो प्रॉपरली वो काम हो रहा है, लिंक्स बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। बस उसके बाद आते हैं रेफरल्स की तरफ। रेफरल में देखें तो कौन कौन सी वेबसाइटों से, वही चीज़ बता रहा है हमें, देखें अदर, फेसबुक, ये सारा पूरा ग्राफ आ गया यहाँ तक, ठीक है। ये इंस्टाग्राम के थ्रू बाउंस रेट वगैरह उसकी हाइलाइट्स दे रहा है। इसका एनालिटिक्स का काम क्या होता है, ये हमें रिपोर्टिंग देख रहा होता है, पूरी रिपोर्टिंग दे रहा होता है कि किस तरह हमारी साइट पे बिहेवियर क्या है, उसका यूजर्स का बिहेवियर क्या है, क्या एक्टिविटी हो रही है। तो लास्ट 30 डेज की आप देख रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है, इतनी ट्रैफिक है, इस तरह की एक्टिविटी है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। और जो है मैं आपको आगे बताता हूँ, एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये यूजर्स की एक्टिविटी यहाँ पे नजर आती है। उसके बाद जो है यूजर रिटेंशन, कि किस दिन पे कितने यूजर जो है वो आए, वो पूरी देखे 6 वीक्स की आ रही है इसको। अब मैं जैसे इसके अंदर जाऊंगा तो पूरी रिपोर्टिंग मेरे सामने आएगी। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये मैं पूरा आपको बताने और इसके फीचर्स बताने और इसको सिखाने बैठूँ तो कम अज कम 10 क्लासें भी मेरे लिए कम पड़े, ये इतना बड़ा है एनालिटिक्स। लेकिन अभी क्योंकि आज था जो है वो इंट्रोडक्शन है इसका, लेकिन आप लोगों को कम अज कम अब ये पता चल जाएगा कि एनालिटिक्स में होता क्या है। बाकी आप लोग खुद जाके चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि अब इसकी डिटेल में मैं पढ़ूंगा तो बहुत बड़ा है एनालिटिक्स, और इसकी बाकायदा सर्टिफिकेशन होती है गूगल की तरफ से, जो मैंने 2017 में की थी। चलें आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये एक पूरा स्किल है ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब व्हेन डू योर यूजर्स विजिट, वो कौन कौन से दिन है, वो कौन कौन से टाइम है। यहाँ पे क्या है, मुझे टाइम्स का पता चल रहा है कि किस वक्त यूजर्स जो है मेरे विजिट करते हैं मेरी वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा ग्राफ आ रहा है 30 दिन का। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वर्ल्ड मैप आ रहा है। वर्ल्ड मैप में मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे यूजर्स आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। लोकेशन उनकी शो हो रही है, तो मैक्सिमाइज देखें, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया और यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसको कहते हैं प्रीमियर ट्रैफिक, ठीक है। मेरे जो यूजर्स हैं वो यहाँ इन कंट्रीज से आ, कौन कहाँ से आ रहा है वो डेट पूरी मेंशन है। सेशन डिवाइस, डिवाइसेस कौन से यूजर है, मोबाइल से तकरीबन 90% मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है मोबाइल से। मोस्टली यूजर जो है मेरे मोबाइल से आ रहे हैं, इट मीन के मोस्टली यूजर जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक से आ रहे हैं रेफरल। उसके बाद टेबलेट है, डेस्कटॉप है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं, मैं बाकी चीज़ें आपको बताऊं, क्योंकि ये देखें चले ऊपर ऊपर से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये अगर मैं एक एक बताना बैठा तो पूरे दिन यूँ समझे निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसके कस्टमाइजेशन में क्या होता है कि इसकी रिपोर्टिंग होती है पूरी। रिपोर्टिंग आप किस तरह करते हैं, डेटा स्टूडियो के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं इसको, ये एक अलग स्किल है इसकी पूरी, यकीन इसका मतलब बहुत बड़ा काम है डेटा स्टूडियो का, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपको विजुलाइज में इस तरह आप रिपोर्टिंग दे रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को, बहुत बड़ी मतलब ये भी एक फील्ड है, ये पूरी दुनिया है इसके अंदर डेटा स्टूडियो। तो हम गूगल एनालिटिक्स किस लिए यूज करते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ इसका मकसद क्या है। एनालिसिस यानी कि आपकी वेबसाइट पे
किस तरह की ट्रैफिक आ रही है और जो ट्रैफिक आ रही है उनका बिहेवियर का है, वो किस पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा एनालिसिस, बिहेवियर रिस्पॉन्स, और उसके बाद उसकी जो है ऑप्टिमाइजेशन और डिसीजन स्ट्रेटजी मेकिंग, मतलब किस तरह आप स्ट्रेटजी बनाएंगे जो आप आगे लेके चल सकते हैं जिससे आपकी जो है ट्रैफिक बढ़ सकती है। अच्छा, इसके नीचे देखें रियल टाइम। चलें डिस्कवर में आपको बताते दो, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप डिस्कवर पे जाएं, और ये जस्ट लाइक एक हेल्प सेक्शन का काम करता है। इसमें पूरी पूरी वीडियोस आपकी हर चीज़ पूरी चीज़ें दी हुई हैं, किस तरह आप देखें क्या करें उसको पूरी डिटेल में सारी चीज़ें एनालिटिक्स के हवाले से। जिस सेक्शन में आप होंगे उसकी आपको जो है पूरी की पूरी वीडियो और सारा गूगल ने खुद दिया हुआ, तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी, इसका रियल टाइम। रियल टाइम में क्या होता है कि रियल टाइम में अभी कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं, कहाँ से बैठे हुए हैं, उसका ओवरव्यू मुझे पता चल जाएगा। ये देखें अभी एक बंदा बैठा हुआ है, मतलब कोई भी एक यूजर है मेरी वेबसाइट पे, उस पर कहाँ से बैठा हुआ है वो उसकी रियल टाइम लोकेशन मुझे पता चली है, लिविंगस्टन, ठीक है, इंग्लैंड से ही है। एक यूजर देख रहा है अभी, लोकेशन में आपको ऑब्वियसली लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक सोर्सेज, वो किस तरह की सोर्स, कहाँ से आया वो, क्या देख के आया है उसका बता रहा है आपको। तो वो ट्रैफिक सोर्स अभी इसने जनरेट नहीं की, काउंट करेगा वो थोड़ी देर में। उसके बाद आता है कंटेंट, तो क्या देख रहा है, कौन से पेज पे है, तो ये वाले पेज पे है, ठीक है जी। मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस पेज का पूरा ओवरव्यू दिखाएगा, या लेके जाएगा या ओवरव्यू दिखा देगा, ठीक है। ये पेज है मेरा जी। उसके बाद इवेंट्स, इवेंट्स में आप अगर कोई जो भी सेशंस हो रहे हैं हमारे, किस तरह से यूज़र आ रहे हैं उसमें ये पता चलता है। और कन्वर्जन में ये है कि कोई भी यूज़र आके कुछ परचेज करता है तो उसके बारे में कन्वर्जन जो है वो उसकी पूरी डिटेल आती है। अभी फिर ऑडियंस पे जाते हैं, ऑडियंस बिहेवियर, यहाँ पे हमें बिहेवियर का पता चलता है, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरे क्लाइंट की साइट है इसलिए मैं ज़्यादा इसकी डिटेल्स आप लोगों को फिलहाल नहीं दिखा रहा, जस्ट ओवरव्यू आपको बता दिया। तो बगैर पूछे मैं उससे क्लाइंट्स के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जी यूज़र्स हैं, इस तरह सेशन बनते हैं, न्यू यूज़र कौन से आए हैं, सेशन कितने बने हैं, यानी कि न्यू यूज़र मींस इंस्टाग्राम और फेसबुक से देखें सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप कोई चीज़ सेल कर, इस चीज़ से आप ये इन ये जो नंबर्स हैं इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि न्यू यूज़र 381 आए हैं तो 322 यूज़र सिर्फ मतलब नए यूज़र्स हैं, रिटर्निंग यूज़र्स नहीं है, वो लोग हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है इस वेबसाइट को, वो लोग हैं। ये देखें यहाँ पे ग्राफ आ रहा है, न्यू यूजर्स देखें कितने, 75% न्यू यूजर्स, और रिटर्निंग यूजर जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ से कुछ परचेसिंग की है या खरीद चुके हैं या पहले देख चुके हैं तो उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, वो वापस आए, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं, कौन कौन सा देखें, वो ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आप जाके अपनी वेबसाइटों को यहाँ पे करें, उसके बाद आप एक्सप्लोर करें सारी चीज़ें, उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो अभी मेरे पास डिस्प्ले पे ये वेबसाइट है, मैंने कोशिश की इसको सेटअप करने की लेकिन पता नहीं क्यों क्योंकि इसको भी 48 घंटे लगे, क्योंकि आपको जो आपका व्यू है इस तरह से नजर आएगा शुरू में, आपकी वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है अभी से, तो आपको इस तरह से अब देखें ये चेंज आ रहा है। यहाँ देखें डेमोग्राफिक्स टैग आ रहा है और यहाँ देखेंगे नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उसकी वजह है मेरे राइट्स, क्योंकि जो इसका जो ओनर है उसने मुझे लिमिटेड राइट्स दिया हुआ, ये भी हो सकता है और ये पुराना वर्जन है, ये भी हो सकता है, ये दोनों वजह हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं और वहाँ पे कम आ रही हैं, तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं ओनर हूँ, इसलिए मुझे पूरी की पूरी वो सारी चीज़ें दिखा रहा है इसकी। यहाँ तक आपको ओवरव्यू जो है हो चुका होगा एनालिटिक्स का, कि एनालिटिक्स में हम क्या काम करते हैं, किस तरह हम उसकी रिपोर्टिंग बनाते हैं, किस तरह हम इस बिहाफ पे अब हम जाते हैं। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट का, तो ये पूरी रिपोर्टिंग एक्सपोर्ट हो सकती है हमारी,
ठीक है, जो भी चीज हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे ऑडियंस ओवरव्यू में गया, 7 दिन के मैंने ऑडियंस देखे, ये उसी पेज पे ले आया, मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और शेयर भी कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है मेरे पास, मेरे अपने क्लाइंट को। मैं देखे गूगल शीट, एक्सेल पे, CSV फाइल, PDF, इस सब का ऑप्शन मौजूद है। तो ये हम रिपोर्टिंग अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, कि अगर उन्हें वो टेक्निकल नहीं है तो उन्हें हम बताएंगे कि ये चेंजेस हो रही है, इस पे पूरी एक असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी जो हम अपने क्लाइंट को देंगे कि आया मुझसे पहले क्या हाल था और मेरे आने के बाद देखें कितना फर्क पड़ा है, तो हमने क्या उसको अच्छा अच्छा दिखाना है। ठीक है, अपने क्लाइंट को हमेशा अच्छा अच्छा सब अच्छा है की रिपोर्ट देनी। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप रद्दो बदल करें, लेकिन आप स्ट्रेटेजी ऐसी बनाए अपनी। वो स्ट्रेटेजी कैसे होगी, वो आप जब सोशल मीडिया मार्केटिंग में वो सारी चीजें सीखेंगे, जो हमारा SSM का जो है पूरा का पूरा वो एक मॉड्यूल है, उसमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी देखें हमने जैसे वेबसाइट बनाई है, हमने इसका सर्च कंसोल भी बना दिया और इसका जो है हमने एनालिटिक्स बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमने फौरन एक काम करना है, हमने इसके अकाउंट सेटअप करने हैं सोशल मीडिया के। उसके लिए सबसे आसान तरीका, अगर आपने अभी तक कोई ब्रांड बनाया नहीं है तो आप ये देखें, ये एक वेबसाइट है namechk.com, नेम चेक भी बोल सकते हैं, namechk भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। अभी आपने कोई वेबसाइट नहीं बनाई, कोई निच सिलेक्ट नहीं किया, आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या है, तो आसान तरीका आप कोई नाम सोचें और उस नाम को यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे इस जगह पे। मिसाल के तौर पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ भाई। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे नाम की अब देखते हैं, ये जब मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया तो ये देखें ग्रीन हो गए सब। अब जरा इन चीजों पे गौर कीजिएगा, ग्रीन होने का क्या मतलब है कि .com भी अवेलेबल है, .net भी अवेलेबल है, .org भी है, .co, मुझे क्योंकि मेरा नाम जहरी बात है इतना फेमस नहीं है तो ऑब्वियसली। ठीक है, अब मैं इसको कोई और नाम कर देता हूँ और नीचे आके देखें जरा, नीचे क्या बता रहा है कि फेसबुक पे मेरे इस नाम का अगर मैं पेज बनाऊं तो वो भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ट्विटर पे किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ, ठीक है, ब्लॉगर पे अवेलेबल है, फिर ट्विच पे किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ, टिकटॉक पे है। तो एक साथ ये पूरा डेटा मुझे पता चल गया कि मैं अब अक्सर क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हमें बोलते हैं कि नाम सजेस्ट करो, वो हमें निच बता देते हैं, हमें बोलते हैं कोई अच्छा नाम सजेस्ट करो। तो अगर मैं एक एक वेबसाइट पे पहले मैं जाके डोमेन्स चेक करूँ, बिजनेस मतलब है अवेलेबल नहीं है ये चेक करूं, और उसके बाद एक एक पेज पे जाके चेक करूं, तो ये वेबसाइट जो है बड़े काम की है जी, आगे चल के आपको बहुत काम आएगी क्लाइंट्स के हवाले से। आप एकदम से सारा डेटा आप देख सकते हो इस पर। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में जो है वेबसाइट का, मैं इसका एड्रेस जो आपकी चैट में डाल देता हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप यहां से कॉपी कर लें, उस पर क्लिक कर लें, अपने पास बुकमार्क कर लें, Ctrl D जो है Ctrl D दबाएंगे किसी भी आके आप एक्सटेंशन में Ctrl D, तो देखिए इस तरह वो बुकमार्क हो सकती है, इसको आप डन करेंगे तो यहाँ बुकमार्क सेक्शन में आपकी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये बड़े काम की है। और इसमें क्या पता चला, मुझे क्या पता चला कि मेरे सोशल इस नाम के सोशल अकाउंट्स अवेलेबल हैं। अब जाके मैंने क्या करना है, फौरन जाके अपनी जिन लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक है, वो फौरन जाके अपने सोशल अकाउंट बनाए। तो वो कहाँ कहाँ बनाना चाहते हैं, ये शॉपिफाई ये पूरी देखे लिस्ट है, आप यहाँ पे जाके बना सकते हैं अगर आप चाहें। ये देखें चलते जाएं, ये इन्होंने ऐड लगाए हुए हैं बीच में, बाकी देखें अब इस ऐड पे मैं क्लिक करूंगा तो इनका जो भी होगा 1 सेंट 2 सेंट वो बन जाए या $1 हो सकता है, क्योंकि मेरी तो पाकिस्तान से मैं यूज कर रहा हूँ, इतने पैसे नहीं मिलेंगे इनको। लेकिन अभी देखें मैंने डिसेबल किया था, फ्री आ गया, तो गूगल छोड़ता नहीं है किसी को। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो सोशल अकाउंट्स याद रखिएगा, वो पहली प्रायोरिटी, वो पहले आपको चेक करके फिर डोमेन नेम आपको सिलेक्ट करना है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला आप बना रहे हो कोका कोला के नाम की, अब देखें अब जरा इसको रिफ्रेश करते हैं, मैंने रिफ्रेश किया पेज को, ठीक है ये सारा डेटा उड़ गया। और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ, अब मैं लिखता हूँ कोका कोला, ये एक ब्रांड है। ठीक है, मैं इसको सर्च करता हूँ कि इसके नाम की मुझे .com .net या कुछ मिल जाएगा, तो अब रिजल्ट क्या होगा आपके सामने देखें।
जब मैंने सर्च किया तो देखे सारे पेज वाइट आ रहे हैं। अच्छा कोका कोला डॉट बी मिल जाएगा, कोका कोला डॉट एम मिल जाएगा, डॉट एल ए मिल जाएगा, डॉट होस्ट मिल जाएगा, बड़ी बड़ी बात। परचेज कर सकते हैं सर जी, इनको आप परचेज कर सकते हैं। आप होस्टिंग किसी भी कंपनी में जाए, वहां पे डॉट एम अगर, या मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ, जरा देखता हूँ कहाँ ले जाता है। हाँ देखें, अब ये मुझे बता रहे हैं नेम चिप से लेनी है, कहाँ से लेनी है। ये देखें डोमेन प्रोवाइडर पे ये मुझे भेज रहा है, तो मैंने नेम चिप क्लिक किया। जरा जाके देखते हैं क्या होता है कोका कोला के नाम का डोमेन, लेकिन उसकी प्राइस भी जरा देख लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसे नाम जो होते हैं उनकी प्राइस जो होती है इतनी होती है जिससे आप अच्छा खासा बंगला बना लें। तो अब देखते हैं जरा, ये तजुर्बा भी करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी नहीं आया दोबारा जी नाम बैक, कोका कोला डॉट बी डॉट होस्ट, चले होस्ट चलते कोई भी नाम देखता हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे लिख लिया, अब ये मुझे अपने अवेलेबल नेम्स के हिसाब से बताएगा। अच्छा याद रखिएगा, स्पेलिंग जब भी डोमेन परचेज करें जरा स्पेलिंग पे एक दो बार रीचेक कर लीजिएगा। अक्सर मेरे साथ ये हसीन इत्तफाक हो चुके हैं कि मैं समझता हूँ कि ये स्पेलिंग सही है और मैं ले लेता हूँ, उसके बाद पता चलता है कि स्पेलिंग में गड़बड़, कहीं आई पहले लगाना था बाद में लगाना था, तो ये हो जाता है क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो अक्सर हो जाता, मेरे साथ हुआ है। ठीक है अब देखें यहाँ पे क्या मिला मुझे, एक वेबसाइट मिली है कोका कोला डॉट आर्ट, लेकिन वो भी प्रीमियम में, ये मेरे काम की नहीं है। कोका कोला डॉट स्टूडियो, भाई ये तो आप लोगों के सामने गोल्डन चांस आ गया। कोका कोला डॉट क्वेस्ट, और इसके अलावा यहाँ क्लिक करूँगा तो अब लाइन एक्सपेंड हो जाएगी। अब मैं इंटरनेशनल पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे TLDs चेंज हो जाएंगी, देखिएगा जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊँगा यहाँ TLDs भी चेंज होती जाएंगी और मुझे पता चल जाएगा इस नाम से मैं क्या। देखें ये सारे नाम अवेलेबल, $12 में भी CYMRU ये भी ले सकता हूँ। ये सारी अपॉर्चुनिटीज, अक्सर ऐसे डोमेन्स जो है बड़े पैसों में बिकते हैं, एक डोमेन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो मैंने जिंदगी में एक डोमेन लिया था और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। अब मैं शायद उसकी मेल चेक कर सकूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। उस डोमेन का नाम था, ये नाम था, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो पता है क्या हुआ, वो मैंने $8 में परचेज किया था जी, blogger.uk, वो मैंने $8 में परचेज किया था यहाँ से। मैं पूरी रात सो नहीं सका क्योंकि इस डोमेन की वर्थ जो है मुझे पता है कितनी है। बहरहाल दूसरे दिन क्या हुआ, वो मेरे $8 मुझे नेमचीप वालों ने रिटर्न किया एक मेल के साथ कि ये डोमेन आप नहीं ले सकते। उसकी वजह कुछ भी नहीं लिखी, मेरा डोमेन कैंसिल कर, जो इन वो पता नहीं कैसे अवेलेबल था। तो देख लें आप ये प्राइस है, देख लें अब आप इनकी वर्थ, क्योंकि नाम की बड़ी वर्थ होती है। तो एक डोमेन मैंने कहा ना आपकी लाइफ चेंज कर सकता है पूरी। तो आप अगर डोमेन, ये भी एक अलग से स्किल है, ठीक है, इससे आप, ये ऐसा स्किल है जिससे आप एक दिन में लखपति बन सकते, लेकिन इसमें सारी गेम वही बता रहा हूँ नसीब की है। आपको वो डोमेन ऐसा मिलना चाहिए या ऐसा नाम हो जिसकी वर्थ बहुत ज़्यादा हो, तो वो आपको ढूंढना आए ढूंढ सकें। तो कभी कभार मिल जाती हैं चीज़ें ऐसी, ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन वो इत्तफाक है कि इन्होंने रिटर्न कर दिया और मैं उसका, उनको पता था ये पाकिस्तानी है, क्लेम करने तो आएगा नहीं US या कोई वजह थी। बहरहाल उनकी पूरी मुझे मेल वगैरह आ चुकी थी, तो ये मसला हुआ। बहरहाल यहाँ तक बात। अब मेरे ख्याल में आप क्वेश्चन आंसर, अगर आप कुछ पूछना चाहें क्योंकि टाइम बहुत कम है, अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके तो आप लोग कर सकते हैं। सर जो सेशंस हैं सर वो ज़्यादा थे, 5-10 थे, और जो यूज़र्स थे वो जिस तरह 3-something थे। तो कहने का मकसद है कि एक ही यूज़र बार बार जो है वेबसाइट पर जाके वो सेशन जो है वो काउंट होता रहेगा। जी वो काउंट होता है, जी बिल्कुल, वो किसी भी पेज पर जाके इन्फेक्शन करेगा तो सेशन काउंट हो जाएगा। सही, यानी वेबसाइट के किसी भी पेज पे, बेशक होम पेज पे ना भी हो तब भी काउंट। जी सही, काउंट तब होगा जब उसने लिख के और उसने बंद कर दी, उसने कुछ भी ना किया, कोई एक्टिविटी नहीं की, वो सेशन तो काउंट हो जाएगा, ठीक है, क्लिक भी काउंट हो जाएगा। अगर वो किसी वेबसाइट के थ्रू, रेफरल के थ्रू या फेसबुक पेज या एड के थ्रू आता है तो वो क्लिक भी काउंट होगा। सही, सेशन एक बनेगा उसका। अब सेशन एक बना, फिर वो किसी और पेज पे गया तो वो सेशन दो बन गया।
सही फिर उसने और किसी ठीक पेज पे इंटरेक्शन की सेशन थी, इस तरह सही मल्टीप्लाई होता है। ठीक 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 और कोई सर, बाउंस रेट तो यही होता है ना कि आके चला जाए। जी सर, क्लाइंट से हमें क्या-क्या चीजें लेनी होंगी इसके लिए, इंस्टॉल करने के लिए? पहली बात, अक्सर क्लाइंट ऐसे होते हैं, देखिए मैं वो कोर्स की एंड में मैं आपको पूरा समझाऊंगा क्लाइंट से बात किस तरह करें। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर प्रॉपर पूरी चीजें आपके लिए तैयार करके रखी हैं। आपको बना बनाया काम मिलेगा, यूं समझे कि बना बनाया बिजनेस होता है ना, जिस तरह चलती हुई दुकान। वो मैं प्रॉपर जो अपनी एजेंसी में जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ, वही चीज मैं आप लोगों को दूंगा। प्रॉपर टेम्पलेट बनाया हुआ है जो आप क्वेश्चनरीज अपने क्लाइंट्स को भेजेंगे। सबसे पहले अगर वो आपको काम देता है तो पहले आप उसको ये चीज फॉरवर्ड करेंगे। वो अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि अभी कोर्स चल रहा है, अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं, वो सारी कवर करवानी है। उसके बाद आपको जो है, जब गेम, वही बात है कि रूल्स समझ में आ जाएंगे, गेम खेलने में मजा आएगा। फिर तो देखे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, वहां पे जाके काम मांगो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको उस मकाम पे देखना चाहता हूँ जब लोग आपके पीछे पड़े कि यार मेहरबानी करके मेरी साइट की ऐसी हो। एक वक्त ऐसा आता है इंसान पे। और देखे ना, हम मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि जैसे कोई मैकेनिक है, बड़ा मशहूर है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका काम अच्छा है। क्या वो मैकेनिक अगर आपकी गाड़ी खराब होगी तो आपके घर तक आएगा कभी कि यार मेहरबानी करो मुझे अपनी गाड़ी ठीक करने दो? क्या आएगा कभी? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास स्किल है। जिसके पास स्किल होता है लोग उसके पीछे भागते हैं, वो लोगों के पीछे नहीं भागता। वही चीज मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले इन चीजों को समझें, इनको अप्लाई करें, इन पे प्रैक्टिस करें, इन पे तजुर्बे करें जितने कर सकते हैं। जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे तो उनका सॉल्यूशन भी आपके सामने आएगा। जिस तरह अभी मेरे सामने कुछ आ रहे थे जो अननोन चीजें थी, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से था, लेकिन अच्छा हुआ कि आया, जिसको मैंने रिजॉल्व किया अपने तरीके से। बाकी जो चीजें और भी रिजॉल्व कर दूंगा देख के, तो नई चीज पता चली, नई चीज जो है प्रैक्टिस हो गई। इसी तरह आपके सामने भी बहुत सी चीजें आएंगी जो आपको परेशान करेंगी शुरू, लेकिन जो आपकी डेडिकेशन होगी उसके बाद आप बिल्कुल उस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। सर एक तो क्वेश्चन है जी, सर, HTTPS और HTTP में क्या फर्क है? दोबारा समझाता हूँ, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। ये कनेक्शन सिक्योर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो वेबसाइट है इस पे SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। इसकी जो मेरी और इसकी जो वेबसाइट की इंटरेक्शन हो रही है वो इंक्रिप्टेड हो रही है। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इसके बारे में आपको पता होगा शायद, पता है नो सर। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है? वो ऐसी, मतलब यूं समझे कि कोडिंग जो है मेरे और इसके बीच में हो रही है। अगर बीच में कोई आता है, वो हैकिंग के सारे सिस्टम, अब मैं आपको क्या समझाऊं, किस तरह वो एक्सप्लेन करूं कि वो पैकेट स्निफिंग होती है। आपकी यूं समझे जैसे मैंने किसी आपको कॉल लगाई, कॉल डायरेक्ट सिर्फ आपके पास आई, लेकिन बीच में कोई कॉल सुन रहा है। शायद आपकी जिंदगी में कभी आपके साथ हुआ हो, वैसे मेरे साथ तो बहुत दफा हो चुका है। मैं किसी को कॉल लगाता था, कॉल कहीं और लग जाती, दो बंदे आपस में बात कर रहे होते, मैं बैठ के सुन रहा हूँ, ठीक है। वो क्या हो गया? वो मतलब वो इनक्रिप्टेड कॉल नहीं, वो डिक्रिप्टेड हो गई, मतलब वो ओपन सोर्स हो गई। मेरी कॉल पता नहीं कैसे वहां जाके कनेक्ट हो जाती थी, मुझे पता नहीं। और वो भाई उनकी पूरी बातें, दो बंदे की, आपको पता है 11 बजे के बाद फिर कैसी बातें होती, तो उस तरह की बातें मैं सुन रहा था। मैं अब मुझे पता नहीं कि ये हुआ क्या है और कौन लोग हैं ये, वो अच्छा ये, इसका कुछ भी पता नहीं। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो इसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है वो सिक्योर हो रही है। अगर यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा तो HTTPS नहीं दिखाई। ये देखें, जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे HTTPS, यानी कि S का फॉर्म है सिक्योर, ठीक है, समझ आई? SSL सर्टिफिकेट होगा यस तो सर, यस सर। HTTPS दिखाएगा, अगर SSL सर्टिफिकेट ना होगा तो यहाँ पे कट का निशान आएगा और HTTP दिखाएगा। अगर आप ये HTTP तो सेल डोमेन के साथ मिल जाते हैं ना। जी, किसी वेबसाइट, देखे ना, कोई सर्विस देती है कोई नहीं देती। अब मिसाल के तौर पे हम चलते हैं वापस अपने नेमचीप पे, नेमचीप पे देखें, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सर्विस है और तकरीबन 5-6 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो ये अब फ्री में देते हैं तकरीबन 1 साल का,
कोई भी डोमेन आप लेंगे या होस्टिंग लेंगे उसके साथ आपको SSL मिलेगा। होस्टिंग पे जाते हैं जी, शेयर्ड होस्टिंग, और ये देखें यहाँ पे देखें फ्री CDN, CDN का मैंने बताया था, इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। और नीचे जाएंगे तो आपको देखेंगे आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं। नहीं देते तो आप Cloudflare का यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा किस तरह यूज कर। ऑन पेज कब स्टार्ट करनी है जी? अभी तो ऑन पेज कब स्टार्ट करनी है सर? जी उसकी वजह है, ऑन पेज लेट क्यों किया मैंने, क्योंकि पहले तो हमने वेबसाइट बनाना तो सीख लें। एक चीज हमने बनाई उसकी ऑप्टिमाइजेशन आप करेंगे वो कैसे करेंगे? एक चीज बने ना, मुझे असाइनमेंट्स का नहीं पता सर, क्या है असाइनमेंट सर? बस अब इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, बहरहाल सबको पता है आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करें, उनसे पूछ लें। सर जो 20 सर जो 23 जून को एक लेक्चर जो आपने पढ़ाया उसका मैंने कह दिया, आपने क्वेरी भेजी थी वो मैंने कह दिया, वो कल तक हो जाएगा। ठीक है, मैंने थैंक यू, मैंने बोल दिया। सर अभी हमारा कितना कोर्स रहता है सर, टाइम ड्यूरेशन सर? यूं समझे कि 15 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, आधे से ज्यादा कोर्स हो चुका है, यूं समझे 60% हो चुका है, बाकी 40% है। ठीक है सर, बाकी 40% में मैंने आपको अच्छा वो सारा मैंने बताया था उसमें कि बहुत अब जो है देखें सारा कोर्स देखें अब वो थ्योरी पे नहीं आ रहा, अब सारा प्रैक्टिकल हो रहा है, जो भी चीज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल हो रही है, मैं करके दिखा रहा हूं आपको सामने। सर ये जो असाइनमेंट्स हो रही हैं सर, ये फर्स्ट असाइनमेंट थी या इससे पहले भी हो चुकी है सर? दो असाइनमेंट दिए अभी तक मैंने। ठीक है सर, और किसी इसकी का लास्ट है सर, इसकी इस असाइनमेंट के सर जी, सर इस असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है सर? 2 घंटे बचे हैं बाकी, बल्कि दो भी नहीं, सवा घंटा बचा है सर, एक दो दिन दे दें सर मुझे, मैंने सर अब ज्वाइन किया है सर। चले चले ठीक है, मैं बात कर लूंगा आपके लिए, कोई इशू नहीं है, आप अगर अभी ज्वाइन किया है तो कोई मसला नहीं है सर। साइट बनानी है सर वर्डप्रेस की सर जी? सर वर्डप्रेस की साइट बनानी है सर जी, 5 पेजेस की वेबसाइट। ये देखे मैंने क्या बनाया हुआ, मैंने इस पे 5 पेज भी ऐड नहीं किया। तो मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट दे दूं सर, मैंने अभी सेटअप किया है सर उसका। देखिए इस तरह ये अभी इस पे 5 पेज भी नहीं आया, मैंने जस्ट ब्लॉग जैसे एक डोमेन करके और दिखा दिया आप लोगों को। मैं सर अपने क्लाइंट की दे दूं साइट या सर अपनी लोकल होस्ट पे बना दूं सर? लोकल होस्ट पे बनाए, देखे बना के दिखा वो ज्यादा। ठीक है सर, सर सबमिट कहां करनी है सर? पोर्टल पे सर, वो आपके LMS पे है सारी चीजें मौजूद। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपको हर चीज नजर आएगी, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी आप इंटरेक्शन कांटेक्ट में रहे, वो सबका सपने जिसने करना था उसने कर दिया। सर मैंने ना एक सर डोमेन परचेस करनी है सर अपने ब्लॉग के लिए ना सर, तो सर पीके के लिए भी बता दें कोई डोमेन सर। देखें अगर आपकी टारगेटेड ट्रैफिक पाकिस्तान है उसमें अगर आप पाकिस्तानी है सर, ठीक है तो आप .pk लें, अच्छा है जी सर, पीके लेनी है सर, डोमेन जो है लोकल एसईओ बता दें सर जी, कोई साइट बता दें सर जी? भाई आप गूगल कर लें, क्योंकि मैं अगर करूंगा तो स्पॉन्सर वाला काम हो जाएगा। अभी भी देखें मैंने क्लाइंट की वेबसाइट में दिखाना नहीं चाह रहा था जस्ट उसके, क्योंकि नंबर स्टेट अच्छे हैं इसलिए मैंने दिखाई, और मेरी वेबसाइट न्यू है देखें अभी कोई भी इस पे डेटा नहीं आया तो इसलिए मैंने अपनी नहीं दिखाई। बाकी ये देखें अब, वरना ये चीजें अगर ऐसे आ रही होती ऐसे बता रहा होता तो आपको समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है, लेकिन इसीलिए मैंने स्टेट्स दिखाए बगैर क्लाइंट से पूछा, पता नहीं वो नाराज होगा नहीं होगा पता नहीं। बहरहाल ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट आज का क्या था ओवरव्यू था कि कम से कम आप डैशबोर्ड को देख के समझे तो सही कि आप है क्या, मतलब किस फील्ड में है, क्या खेलना है, किस तरह की फील्डिंग करनी, किस तरह की बैटिंग करनी, ये वही चीज है। अब आपको पिच का पता चल गया ये पिच की कंडीशन क्या है, अब आप अपने हिसाब से खेल रहे सही है, तो ये वही चीज है बिल्कुल। आपको तजुर्बा हो गया, आपको चीजें समझ आ गई और आपने देख लिया किस तरह, देखे मैंने कनेक्टिंग की अपनी वर्डप्रेस के साथ। वर्डप्रेस इसलिए कि वर्डप्रेस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ वेबसाइट, इससे ज्यादा भी हैं वो विक्स हो गया और दूसरी है, लेकिन वर्डप्रेस पे आप क्या है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी। सर वर्डप्रेस पर ज्यादा फ्लेक्सिबल, कितनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एक ही? वर्डप्रेस आपकी होस्टिंग पे डिपेंड करता है, जितनी वेबसाइट मेरे पास जैसे अनलिमिटेड होस्टिंग है नेमचीप पे, बिजनेस प्लान मैंने लिया हुआ है तो मैं तो अनलिमिटेड कर सकता हूँ, वो तो आप जाए ना इस पे देखे ना, ये देखे अनलिमिटेड वेबसाइट
तो ये वाला यहाँ से ही इंस्टॉल करना होता है वर्डप्रेस में, यहाँ से ही इंस्टॉल करना होता है वर्डप्रेस में डोमेन और होस्टिंग। इसमें दो किस्म की होस्टिंग है, जरा समझे, मैंने आपको डोमेन और होस्टिंग वाले सेशन में बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें होस्टिंग में जाएंगे ना, एक देखें वर्डप्रेस होस्टिंग, इस पे जाएंगे ना, अगर आप ये लेते हैं ना तो इस पे आपको फायदा ये होगा, इस पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, जैसा एक क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल उसी वक्त ही। भाई आ गई बात समझ में? उसी वक्त ही ये आप जाके ये देखें, ये पूरा वीडियो वगैरह देखेंगे ना तो आप चीजों में, लेकिन ये देखें उसकी प्राइस में और इसकी प्राइस में फर्क। फर्क इसलिए कि उसमें जाके खुद मैनुअल सारी चीजें करनी पड़ती है, इसमें आपको ऑटोमेटिक, देखें इसमें फ्री SSL भी है, इसमें फ्री CDN भी है। CDN और SSL का तो मैंने आपको बता दिया, सिक्योर सॉकेट लेयर, लेकिन CDN का मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, आगे मॉड्यूल है पूरा, इसका मतलब समझाऊंगा कि ये क्यों जरूरी है। अब हमारे जो नॉर्मल होस्ट हैं पाकिस्तानी होस्ट, वो CDN नहीं देते, और आप जब SEO पढ़ना और समझना शुरू करेंगे फिर आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि CDN जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है वो क्या होता है, और उसकी मैं पूरी आपको डिटेल आगे चल के दूंगा। और कोई क्वेश्चन सर? जो मॉन्स्टर इनसाइट सर, वो जो आपने बताया था प्लगइन, उसमें गूगल एनालिटिक्स का कोड जो है वो इंस्टॉल्ड हो जाता है, तो सर ये जो गूगल साइट किट है इसमें भी क्या हो? नहीं देखें, गूगल साइट किट ने क्या किया, गूगल साइट किट ने मेरे जाके जो है ना गूगल अकाउंट को जाके फेच किया डेटा, ठीक है, ये गूगल का अपना जो है वो प्लगइन है, इसलिए इसने क्या किया, मेरे मुझसे परमिशन मांगी मेरे अकाउंट की, उसने जब डेटा फेच किया तो उसको डेटा मिल गया वहाँ से, क्योंकि मैंने खोला हुआ था साइट उसी ब्राउजर, मतलब उसी टैब में, दूसरे टैब में मैंने खोला हुआ अकाउंट, तो ऑब्वियसली उसी ईमेल से खोला हुआ है तो मुझे मिल गया, उसने उठा लिया। मॉन्स्टर इनसाइट में जाके आप जो है पूरा दोबारा से आप ऐड करेंगे शुरू से जिस तरह मैं कर रहा था, तो वो किसी वजह से ये वेबसाइट नहीं हो रही, यहाँ से इसने उठा लिया, क्योंकि बहुत तरीके होते हैं, तो वो सारे तरीके क्या है, आपको मैं लेक्चर जब भी मैं आपको कोई मतलब सेशन करवाता हूँ तो उसका मकसद ये होता है, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी, लेकिन एक काम आप लोगों ने कर रहा होता है उसको एक्सप्लोर जाके करें कि वो हो कैसे रहा है, अगर इस तरह से हो रहा है तो दूसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, इस तरह हो सकता है कि हजारों तरीके हों, तो अभी कुछ बहुत से और तरीके हैं जो मैंने आपको नहीं बताया, कि वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप में जब तक वो, मैं नहीं चाह रहा कि आपको एक चीज़ लगा दी बस आप उसी पे चल, और आप, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है अपने तरीके से उसको एक्सप्लोर करें जाके कि वो किस तरह, अगर अभी नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका क्या तरीका होगा, उसके लिए आप देखें उन चीज़ों को समझें, गूगल के जो मैंने आपको दिखाए वो जो पेज दिखाया था एनालिटिक्स के अंदर, जैसे ये था, एक मिनट ये सर्च इसका कहाँ गया जी वो पेज, हाँ डिस्कवर में, तो इसके अंदर पूरी डिटेल्स है, ये देखिए लर्न विथ एनालिटिक एक्टिविटी, तो आप इसमें जाएंगे आप एक्सप्लोर करेंगे तो चीजें आपके सामने आएंगी, और ये देखें फ्री एनालिटिक्स ऐप है मोबाइल, अब तो इसकी ऐप भी आ गई, तो बहुत आसान है, अब इवन आप अपने मोबाइल से सारी बैठ के इनसाइट्स देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें इतनी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि समझ के चलने वाले के लिए बहुत इजी हो जाता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? बस सर यही क्वेश्चन था कि नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा, किस टॉपिक का? इंतजार करें सर, वो असल में मैं इसलिए पूछ रहा था कि थोड़ी रिसर्च कर लें इस बारे में, क्या रिसर्च करेंगे ना यूट्यूब वगैरह पर, इसलिए। अच्छा मतलब आप पहले से सीख के आएंगे फिर, तो इससे नॉलेज डबल हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मेरे ख्याल में अपना गूगल एडवर्ड्स का है और एडसेंस के हवाले से। थैंक यू सर, मेरे 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 अंदाजे में जितना मुझे याद आ रहा है उस पर, बहरहाल क्योंकि मैं सारी चीज़ें लाइव कर रहा होता हूँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसलिए जो है कभी कभार मेरे जहन से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, और मेरी एज पे तो हो सकता है, क्योंकि एक साथ चार चार पांच पांच बिजनेसेस, फिर काम, फिर ये जॉब्स, उसके अलावा फैमिली, तो बहुत सी चीज़ें स्लिप हो जाती, मतलब फोकस आपका एक चीज़ पर नहीं रहता जी सर, तो वो करना पड़ता है, आपको पता है आजकल तो वैसे ही। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी सर वो लाइट चली गई थी, हेलो
सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप पूछे सवाल पूछे। सर सॉरी सर वो लाइट चली गई थी। सो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मॉन्स्टर इनसाइट प्लगइन आपने बताया उसमें जो है गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है जिस तरह वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये जो जी साइट किट थी इसमें भी क्या उस तरह का सीन हो सकता है या ये सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है कंसोल और ये जो एनालिटिक्स के यहाँ पे बस वो उसका सारा डाटा शो हो जाए? जो है वो अल्टरनेट था, उसके अलावा मैंने आपको मैनुअल तरीका दिखाया। मेरी वेबसाइट पे जो हेड का इशू आ रहा था नीचे कोड का, उसमें कोई इशू है। अब मैं क्या करूंगा, इसको उड़ा दूंगा वर्डप्रेस दोबारा से। सही। तो फिर नई फ्रेश वर्डप्रेस करूंगा क्योंकि मुझे पता है इस पे कोई कोई ना कोई कहीं ना कोई कोई मसला आ रहा है। सही। कोडिंग में कोई इशू है? सही। अगर ये होता है कि कोडिंग में इशू आता है तो वेबसाइट ही आपकी नहीं थी। सही। उसके बाद जाते हैं रिकवरी वाले के पास, रिकवर करके दे। फिर मार्केट में आपको पता है कि हर किस्म के लोग बैठे हैं, फिर रिकवर करने वाले भी, वो भी एक स्किल है। तो वर्डप्रेस अगर आप समझ रहे हो ये 6-7 पेजेस है और ये वर्डप्रेस खत्म हो गई तो ये आपकी भूल है। ये आप समझ रहे हैं कि ये वर्डप्रेस है, ये 4-5 इसमें सेक्शंस हैं, ये हैं और ये वर्डप्रेस खत्म हो गई यहाँ तक, बस ये है जिसको आ गया वो वर्डप्रेस आ गई, तो ये भूल है। ये देखें कितने सेक्शंस हैं। यस सर। जो बाय डिफॉल्ट है वो तकरीबन 7-8 सेक्शंस है। जी सर, ये 10 ठीक है, लेकिन यहाँ तक वर्डप्रेस नहीं है। अगर ये वेबसाइट मेरी अभी खड़े खड़े मतलब कोई प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ उड़ जाती है, खुलती नहीं है, फिर मैं इसको रिकवर कैसे करूँ? और मैं चाहता हूँ मेरा डेटा भी ना जाए, कुछ भी ना हो, इसके लिए भी लोग बैठे हुए हैं जो स्किलफुल हैं। उसके बाद अगर मेरी वेबसाइट पर कोई ऐसा बग आ जाता है जिसकी वजह से मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता, खुलता तो है डैशबोर्ड, ठीक है, उसके लिए इसको क्लीन करने के लिए लोग बैठे हैं, वो अलग लोग हैं। इसके बाद मेरी वेबसाइट पे जो है लॉगिन स्पेस, मुझे समझता हूँ कि किसी और के पास एक्सेस है, मैं उसका लॉगिन रोकना चाहता हूँ, तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी के लिए लोग अलग से बैठे हों। सही। तो इसमें इसके मतलब इस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं। आप ये मत समझे कि सिर्फ ये 5-6 चीज़ें हो गई और वर्डप्रेस हो गई एंड, ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर बहुत बड़ी दुनिया है। जैसे जैसे आप एक्सप्लोर, तो वही मैं जो है अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि जैसे जैसे आप लोग एक्सप्लोर करेंगे ना, आपके सामने चीजें आती जाएंगी, खुलती जाएंगी, जितना आप इसके अंदर डीप जाएंगे। ये समुंदर की तरह है, जितना गहराई में जाएंगे उतने आपको मोती मिलेंगे। सही। तो सर अगर यानी आगे कभी इस तरह का मसला आ जाता है, यानी कोई एरर आ जाता है, तो और प्लगइन आपने इतने ज्यादा इंस्टॉल किए हो, वेबसाइट आपकी यानी उस पर बहुत ज्यादा कॉन्टेंट पड़ा हो, तो यानी वो सॉल्व हो जाता है? ये नहीं कि यानी जिस तरह आप कह रहे हैं मैं अभी वर्डप्रेस को दोबारा इंस्टॉल करूंगा, अभी तो खैर आपकी वेबसाइट भी न्यू है ना सर, तो सर अगर आप लोगों के लिए बनाई थी। यस सर। तो सर जिसकी वेबसाइट जो थोड़ी पुरानी है यानी या उस मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉगिन सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप ऐड न्यू करेंगे। मैं उसका तरीका बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले बैकअप किस तरह लेना। यस सर। यहाँ पे लिखे अप ड्राफ्ट, ये बहुत ही मशहूर प्लगइन है वेबसाइट बैकअप के लिए, अप ड्राफ्ट। सही। आप लोगों ने प्रैक्टिस क्या करनी है कि हमेशा इसको इंस्टॉल करना है अपने पास। अब मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। कभी भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करें उससे पहले आपने एक दफा बैकअप लेना है अपने वेबसाइट। ठीक है, इस तरह ये देखें, अब ये क्या कर रहा है आप देखें, मैं दिखाता हूँ, प्रेस टू स्टार्ट। ठीक है, अब मैं इसके सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे देखें इसमें एक प्रीमियम एक्सटेंशन, ये असल में पेड टूल है, वैसे इसके प्रीमियम फीचर्स जो है पेड अलग से, ये क्या फीचर है, फ्री में कितने हैं और बाकी में क्या है, वो सारा दिया हुआ इसमें। ठीक है, अगर ये परचेज करते हैं तो ये मस्ट हैव टूल है ये आपके लिए। अब क्या करें, आप जस्ट कुछ भी ना करें, यहाँ पे बैकअप नाउ पे बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये वर्डप्रेस का आपका बैकअप कर रहा है। जो भी प्लगइन इंस्टॉल है, जो भी सेटिंग इंस्टॉल है, उस हिसाब से ये वर्डप्रेस का बैकअप कर। सही। ठीक है, अब बैकअप को मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये अभी हुआ है वर्डप्रेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे जाके मैं सेटिंग में कुछ चीजें ऐड करता हूँ। सेटिंग में मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ अपनी जी ड्राइव से। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी गूगल ड्राइव से कनेक्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है तो उससे कनेक्ट कर लें, एफटीपी है आपके पास उससे कनेक्ट कर लें। एफटीपी का आपको पता होगा, चलाया है तो पता है, मतलब पता होना चाहिए, नहीं चलाया तो आप अपने
पीसी के अंदर एक सर्वर बना सकते हैं, ठीक है, और इस एफटीटीपी के जरूर अपने पीसी में बैकअप डेटाबेस ले सकते हैं, जिस तरह हमने लोकल में बनाया था, ठीक है। तो पीयर टू पीयर ये जो है वो सेटिंग होती है, और जो है इसका सारा सिस्टम होता है इस तरह। तो एफटीपी भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसके अलावा ड्रॉपबॉक्स है। अब आपको मजे वाली चीज दिखाता हूँ जरा, ड्रॉप, एक मिनट जी, ड्रॉप बॉक्स जी, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स भी बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, ये भी मतलब साइट अपलोडिंग जो है उसका, इस पे आप डेटाबेस अपना रख सकते हैं। सही, साइन इन पे जाता हूँ, हो सकता है मेरा अकाउंट बना हो, कुछ दिन पहले मुझे याद आ रहा है मैंने बनाया था, आ गया जी, देखता हूँ जरा, कुछ दिन पहले याद आ रहा है मैंने कुछ किया था इसमें एक तजुर्बा, तो अब जरा देखता हूँ अगर ये अच्छा, ये इसमें लिमिटेड डेटा जो है आपको फ्री मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका प्रीमियम लेते हैं तो 2 TB 3 TB पता नहीं भाई, ये अभी मसला दे रहा है, चले कनेक्ट होता है तो सही है। तो ये सारे ऑप्शन है, आप इसमें क्या करेंगे, जो काम वाली बात थी, चले मैं उस पर जाता हूँ, ये पता नहीं कहाँ चला गया, अच्छा ये रहा वर्डप्रेस, इसको मैं गूगल ड्राइव पे क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपनी गूगल ड्राइव के साथ ऐड कर सकता हूँ। गूगल ड्राइव का फोल्डर कौन सा होना चाहिए इसके साथ, जिस तरह मैंने अभी उसको किया ना अपना एनालिटिक्स को, इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट हो, यहाँ ऑथेंटिकेशन सही, जैसे मैंने देखे क्लिक किया, अब वो जा रहा है, लीव कर रहा है, और वो अलाउ, उसको अलाउ करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन आप समझ रहे हो, ठीक yes, है sir. और yes, sir. न्यू फोल्डर में बनाना चाहता हूँ तो अब ड्राफ्ट के नाम से बाय डिफॉल्ट फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। ड्राइव में गूगल ड्राइव को कनेक्ट करना जी, ये फ्री वर्जन में ये चीज हो जाती है, सही। बाकी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो पेड वर्जन में होती है, गूगल क्लाउड हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, लेकिन गूगल ड्राइव पे हो जाता है अपलोड, तो इससे ये फायदा होगा कि आपकी अपनी ड्राइव पे बैकअप होगा। अगर इनके आपकी वेबसाइट उड़ जाती है, कोई बग आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, तो कम से कम आपके पास लास्ट बैकअप होना चाहिए। जब भी आप कोई प्लगइन ऐड करोगे, आप प्रैक्टिस बना लो इसको, अब ड्राफ्ट को अपनी, जब भी आप कोई भी चेंजिंग करो ना वेबसाइट में, कुछ काम करने लगो, कुछ चेंजिंग करो, तो सबसे पहले जाके बैकअप ले, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, सही। या उसको ऑटो पे भी जाके आप कर सकते हो, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये आप प्रैक्टिस बनाएंगे आस्ते आस्ते आपको इसमें काम में मजा आने लगेगा, सही है। तो आप इस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसको, जब आप, अगर मिसाल के तौर पे ये मेरी साइट उड़ गई, तो मैं इसको माइग्रेट करके या बैकअप या रीस्टोर करके अपना रीस्टोर वहां से उठा सकता हूँ, अकाउंट कनेक्ट करूंगा जैसे ही, तो मेरा रीस्टोर बैकअप आ जाए, उठा लेगा जिस वेब गूगल ड्राइव से मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, जी। तो ये वापस जाके उठा सकता है, ये तरीका है इसका, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलतियां अक्सर, उस दिन भी मतलब मैंने आपको दिखाया वर्डप्रेस, मैंने लोकल पे इंस्टॉल की थी, फिर मैं से लॉगिन नहीं हुआ, मैं भूल गया, सही, तो मैंने पासवर्ड वगैरह सेव नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं मैंने कौन सा लगाया, सही। तो सर ये होस्टिंग भी जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड करती है बैकअप की, वेबसाइट बैकअप जो होता है, होस्टिंग भी करती है, सही, ऑन डिमांड बैकअप भी होता है, वैसे भी बैकअप होता है, वेब बैकअप वो सारा उनका पूरा। अब आप फीचर्स में जाके देखें, क्योंकि अभी मैंने आपको ये देखा ना, अनलिमिटेड वेबसाइट है मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पे बैकअप का आएगा ऑप्शन, होगा कहीं ना कहीं, ये देखें बैकअप ट्वाइस अ वीक, ठीक है, यहाँ से भी आप रिकवर करवा सकते हैं, लेकिन ये बैकअप कौन सा होगा, ये आपके डेटाबेस का होगा, वर्डप्रेस का नहीं होगा, डेटाबेस का, जो आपका वो है अपना क्या बोलते हैं SQL वगैरह, ये उसका बैकअप होता है, सही, तो आपकी फाइल्स हैं वो बैकअप करेगा बस, सही, लेकिन वर्डप्रेस का आप बैकअप जो है हमेशा इस तरह ले, तो मैं इससे ही लेता हूँ, अच्छी प्रैक्टिस है इसकी, और ये कामयाब तजुर्बा है मेरा इसका, कभी साइटों में कोई इशू आ जाता है तो मैं वापस जाके सिर्फ वर्डप्रेस होस्टिंग से जाके उसको रिफ्रेश करके, वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल करके उसको रिस्टोर कर देता हूँ, वही साइट मेरी वापस आ जाती, तो वो जो गलती जो मैंने की होती है वो अंडू हो जाती है, जो अंडू का ऑप्शन होता है ऊपर फाइल में, आपको पता है
तो अंडू हो यस जाती है सर वो, सर यानी कंट्रोल होस्टिंग रहता दोबारा है। लेके उसी में जो है वो सारी वेबसाइट वापस आ जाती है या जी जी तो जी जी आप सर वर्डप्रेस ये इंस्टॉल डोमेन भी बेशक करिए। चेंज हो तब भी आ जाती है यानी अगर ये फाइल डोमेन तो देखिए एक है, डोमेन तो ब्रांड नाम, ब्रांड का नेम है ना आपका, यस सर सिर्फ होस्टिंग जो है वो यानी लेनी पड़ती है यानी दोबारा होस्टिंग लेनी पड़ती है। होस्टिंग देखें मैंने आपको बताया था जस्ट लाइक अ प्लॉट, जहां पे आप अपना डोमेन के नाम से अपनी दुकान बनाते हो उस पर आप बिल्ड सही करते हो। सही बिल्कुल सर होस्टिंग प्लॉट का काम करती है, प्लॉट में आपने मकान गिरा दिया फिर दोबारा बना लो, सही डोमेन फिर में गिरा सर दो यानी फिर इशू बना नहीं लो। होता नहीं डोमेन तो वही रहेगा ना, वो तो सही आपका प्रॉपर नेम है, ब्रांड है आपका, ट्रेडमार्क है। यस सर सर वो मैं ये समझ रहा था कि ये डोमेन में भी अगर ये कुछ मसला आता है तो शायद वो डोमेन भी शायद नहीं इसकी नहीं वजह से वो एक हिट साल होती तक तो आपका वही रहेगा, अगर आप उसको 2 साल के लिए सही तो 2 साल तक वही रहेगा, वो आपके ऊपर सही डिपेंड करता है आप कितने साल तक उसके लिए, 1 साल का लेते ठीक हो, 2 साल का लेते हो, डॉट ठीक है कॉम सर लेते हो, नेट लेते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक ठीक है सर थैंक यू है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो एनालिटिक्स के हवाले से, कोई चीज नो समझ सर में नहीं आ रही हो, कोई परेशान कर रही हो तो अभी पूछ लें, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे ऑब्वियसली। नहीं जस्ट गुड हो गया सर ठीक हो गया, जी समझ आ गया, आप लोग आप सेटअप कर लोगे खुद? जी जी इंशाल्लाह सर बस यूट्यूब है ना यूनिवर्सिटी हमारी सही है, ठीक है। तो मेरा काम था, मैंने आप लोगों को जो है इसका मतलब ओवरव्यू जितना मेरे से हो सका, क्योंकि अगर मैं इसके डिटेल में जाऊंगा ना, यकीन करें बहुत ज्यादा चीजें हैं। मैंने यस आपको ये सर देखिए मोनिटाइजेशन में आप समझ रहे हो सारे, मोनिटाइजेशन में आपकी मोनिटाइजेशन होती है, पब्लिशर एड्स वगैरह की उसकी, ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। इसी तरह इंगेजमेंट में आपकी इंगेजमेंट किस तरह की आ रही है, बिहेवियर किस तरह आ रहा है, एक्विजिशन में बिहेवियर का पता चल रहा होता है इंगेजमेंट में, और भी ऑप्शंस हैं, डेमोग्राफिक्स में जगह, क्योंकि इसमें देखा कुछ है ही नहीं, डेटा ही नहीं है, मैं अगर क्लिक भी करूँ तो कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैंने आपको क्लाइंट के साइड। सर इसकी फाइबर पर सर्विस होती जी बिल्कुल, गूगल है एनालिटिक्स सेटअप की, गूगल एनालिटिक्स जो है मैनेजमेंट की, बाकायदा एसईओ का तो काम है, ये तो मेन काम है, ये बेसिक है, अगर ये आपको नहीं आए तो आपका मतलब एसईओ कोई आपको मानेगा ही नहीं, आपको एसईओ आती है। एसईओ ये थोड़ी है कि आप वेबसाइट पर गए आपने उसको ऑन पेज थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन हो गई, एसईओ एसईओ नहीं। इन दी एंड ऑफ द कोर्स आई विल प्रोवाइड यू अ चेकलिस्ट जिसमें मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, हम एक वेबसाइट लेंगे क्लाइंट, हो सकता है मुझे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल जाए मैं उस पर आपको एसईओ करवाना शुरू कर दूँ आप लोगों को, मतलब मैं उसकी डायरेक्ट आपको एसईओ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं स्टार्ट करता हूँ, इस ये चीजें मैं पहले चेक करता हूँ, वो पूरे तो ऑन पेज जो है वो क्लाइंट की वेबसाइट पे कर दूंगा, उससे परमिशन दे, ठीक है। फिर मसला ये है कि ये इंशाल्लाह पहले सर रिकॉर्ड हो रहा है वो सारी जिंदगी वही साइट देखते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में उसको परमिशन देनी चाहिए, जी सर उसकी साइट बिल्कुल पब्लिसिटी हो जाएगी। लेकिन यस सर बहरहाल हम एक लाइव बिजनेस पे हम जाके जो है एसईओ करेंगे, तो देखते हैं अगर वो मिल जाती है नेक्स्ट कल पे 1 तारीख है, देखते हैं इंशाल्लाह वो सर एग्रीमेंट हो, फिर वो 6 महीने तक प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा ना आपको कि क्लाइंट चल के आता है, एक वक्त ऐसा आता है आपके ऊपर जब आप क्लाइंट्स के पीछे नहीं जाते, लोग आपके पास आ रहे हो, तो मैं आप लोगों को उस मकाम पे इंशाल्लाह देखता जाऊँ, और मेरी आप सबको दुआ है जो भी मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं, जो आगे चल के सुने, कि मैं आप सबके इंशाल्लाह लिए बिल्कुल यही ख्वाहिश रखता हूँ। मेरी उम्मीद है कि यार मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अल्लाह ने मेरे नसीब में स्टूडेंट्स दिए हैं, वो सारे जो हैं इस लेवल पे पहुंचे कि लोग उनके पीछे भाग, वो लोगों के पीछे ना भाग, जाते इंशाल्लाह में सर एक से थैंक यू बात सर मांगे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से, इंसानों से नहीं बेशक मांगे। सर ठीक बिल्कुल सर है, इसी बेशक के साथ आज का लेक्चर अपना खत्म करते हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कैसे करना है वो आप सबको पता है, ठीक है, आप मेरे सोशल अकाउंट्स पे जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और वैसे व्हाट्सएप नंबर वगैरह हर चीज़ शेयर्ड है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल बिला झिझक मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके आपकी क्वेरीज के जो है उसके आंसर देना शुरू कर दूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़ सर सर थैंक यू सर